संसद में पारित वन अधिकार कानून को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हिमाचल वन अधिकार मंच प्रभावित लोगों को लामबंद करने में जुट गया है। इसी कड़ी में 11 अप्रैल को मंडी जिला मुख्यालय में राज्य स्तरीय रैली के अलावा एक दिवसीय धरना किया जाएगा। हिमाचल वन अधिकार मंच के श्याम सिंह चौहान, अक्षय जसरोटिया, प्रकाश भंडारी और मानसी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये कानून हिमाचल राज्य की खेती बाड़ी और पशुपालन पर आधारित आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, मगर प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस कानून को लागू करने में विफल हो रहे हैं, बल्कि मंडी में इसकी आड़ में भेड़ व पशुपालकों के अलावा वनों पर आश्रित लोगों के हितों पर न केवल कुठाराघात किया जा रहा है बल्कि उनके साथ धोखा भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला प्रशासन ने वन भूमि पर बिना पट्टे के काबिज परिवारों के सिर पर बेदखली का खतरा डाल दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में गलत प्रक्रिया अपनाते हुए मंडी जिला में पंचायत सचिवों के माध्यम से विकास योजनाओं को वन भूमि प्रदान करने के नाम पर गैर कानूनी तरीके से फॉर्म पर वन अधिकार समितियों एवं ग्राम सभाओं से ये लिखवाया गया कि लोगों के जंगलों और वन भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, जिसके चलते शून्य दावों के प्रमाण पत्र लिए गए। उन्होंने प्रदेश भर के प्रभावितों से मंडी में होने वाली रैली में शामिल होने की अपील की है। इस अवसर पर प्रशांत मोहन और ललित ठाकुर भी मौजूद रहे। अब डीएलसी इसको ये मान के चल रही है कि जब ग्राम सभा ने लिख के दे दिया, भाई पंचायत सेक्रेटरी ने लिख के दे दिया, तो ये अब अंतिम प्रक्रिया है और जो लोग अब दावा कर रहे हैं उन दावों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और पंचायत सेक्रेटरी द्वारा। तो जब हम जिला परिषद में बात की, बाकी जगह बात की, प्रशासन की बात रिक्वेस्ट की कि इस कानून में अथॉरिटी जो है वो ग्राम सभा अथॉरिटी है, पंचायत सेक्रेटरी इज नॉट अथॉरिटी, तो वो उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता था। तो वह 11 तारीख को हमने फैसला लिया कि जो हमारा जो प्रशासन है जो लोगों की बात नहीं मान रहा है, तो अब हमारे पास ये चारा बचता है कि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो 11 तारीख को कर रहे हैं कि ये जो धोखाधड़ी दावेदारों के साथ वर्ष 2014 में हुई है और अभी का जो वर्तमान प्रशासन है, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा में भी ये बात की, जब मंच ने वहां पे धरना दिया था, हमारा शांतिपूर्ण धरना रहा था धमशाला में, उस सीएम साहब ने बात की थी कि वन अधिकार कानून में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, अब हम क्लियर हो चुके हैं और पूरे प्रदेश में इसको युद्ध स्तर पे जो है वो लागू करेंगे। तो अब जब सीएम साहब जो मंडी जिला जिनका खुद का अपना जिला है और जहां व्यक्तिगत 40 से 50 हजार दावेदार हैं जिन्होंने वर्ष 2002 में भी ये फॉर्म भरे थे, अब उनके पास एविक्शन की जो है वो तलवार लट गई है क्योंकि प्रशासन ने जो शून्य दावे बन के भेज दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो 28 फरवरी का ऑर्डर है उसमें भी बोला कि वन अधिकार कानून की प्रक्रिया के तहत जो है वो इन दावों को भरा जा सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी क्योंकि मंडी में ये दावे नहीं ले रहे हैं, हम जिला प्रशासन के पास एडीसी के पास थक के बोल बोल के बार बार, और जो सामूहिक दावे हैं जो ग्राम सभा ने एसडीएलसी और डीएलसी को भेजने थे वो भी इस कानून के तहत शून्य कर दिए गए और अब जिला प्रशासन बोल रहा है कि हम इस प्रक्रिया को जो है वो रद्द नहीं करेंगे। तो हमारी इस रैली से ये मांग है कि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है वो इस फैसले को जो है वो प्रशासन को बोले कि ये कानून के खिलाफ है। जो वन अधिकार कमेटी ने ख और ग फॉर्म भर के भेजना था वो फॉर्म नहीं भरा गया है, प्रशासन ने कोई ख फॉर्म नहीं दिए गए हैं और सिर्फ डाइवर्शन वाले केस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए फॉर्मेट को जो है एफआरसी को दिया गया, ये गैर कानूनी है। तो अगर हम प्रशासन के पास रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की, अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, हम हजारों की संख्या में पूरे मंडी जिले के दावेदार जो यहाँ के जिला परिषद मेंबर हैं जो श्याम सिंह जी हैं उनके नेतृत्व में, वन अधिकार मंच के नेतृत्व में हम सेरी मंच में आके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं माननी तो हम इस संघर्ष को तेज कर सकते हैं और अभी वो संघर्ष किस रूप में तेज होगा वो मंच जो है अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, वो किस फॉर्म में होगा वो हम आगे आने वाले समय में तय करेंगे। हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ये जो गैर कानूनी प्रक्रिया की मंडी जिला में की गई है इस प्रक्रिया को रद्द किया जाए क्योंकि इसके खुमियाजा इसलिए हमें भुगतना पड़ेगा क्योंकि इसकी नकल बाकी जिलाधीश भी कर रहे हैं और उसी की तर्ज पे बाकी प्रदेश के जिलों में भी ये प्रक्रिया हो रही है। तो हमें पूरे प्रदेश को ये जो गैर कानूनी प्रक्रिया हो रही है इसको जो है तुरंत जो है इस पे रोक लगाई जाए और तुरंत आदेश दिया जाए कि इस कानून की प्रक्रिया को कानून की तरह लागू किया जाए।